नमस्कार दोस्तों, ये टॉयलेट है। इसके अंदर एक गीज़र लगा हुआ है, गैस गीज़र है। इस एक दो दिन काम किया इसने, उसके बाद में काम करना बंद कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको लगाने की प्रक्रिया। इसको कैसे सेट करेंगे, दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस गीज़र को हम लगाएंगे इस एंगल वाल के जो पास में से। तो हम इसको नीचे उतार कर शुरू करते हैं। हमारे पास 12 इंच टेप नहीं था, हमने झाड़ू के तार से इसका नाप किया है। तो हमने ड्रिलिंग पहले कर चुके हैं, अभी इसके अंदर दो गीटी लगाने के बाद में पैच से बाद में सेट करेंगे गीजर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ऐसे ही गीजर की फिटिंग हम दोबारा, कोई भी हमारे अपॉइंटमेंट आएंगे तो हम वो दिखाएंगे अच्छे अच्छे वीडियो। आप भाइयों का सपोर्ट होगा तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू हम करते हैं, गीजर को सेट करते हैं पहले। और ज़्यादा ध्यान ये रखना दोस्तों, अगर गीजर की बाथरूम की टंकी की हाइट मैक्सिमम 10 फुट हो, 10 या 12 फुट पर, तो आप गीजर 5.5 फुट की हाइट में लगाना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चल तो रहा है लेकिन गैस इसके अंदर सप्लाई नहीं हो रही, तो इसका रिजल्ट देखेंगे अभी। ये इनलेट और ये आउट, तो हमने ये गीजर सेट कर दिया है। देख, हमने 5.5 फुट की हाइट पर लगाया है और अभी इस लाइन को हम चेक करेंगे। वीडियो खुद बनाता हूँ दोस्तों, तो लाइक शेयर करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी देखो कल जल रहा है ना, और चेक करेंगे अभी सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये देख बत्ती जल रही है इसकी, गैस ऑन है। हमने इसका टेस्ट बाद में छोड़ वीडियो को, पानी गर्म आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अरविंद पल्डा होता है कि नाम से चैनल है, इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इसको 5 दिन कंटिन्यू हमने चेक किया, उसके बाद तक रिजल्ट अच्छा है। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।